अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज ट्यूसडे का दिन है, आज फूड ट्यूसडे की एक एपिसोड डालनी थी, लेकिन कल भी खाने पीने की वीडियो डाली और लास्ट वीक भी खाने पीने की काफ़ी वीडियोस डाल दी, तो आज मैंने सोचा एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है स्टोरी टेलिंग। जब हम छोटे होते थे तो अम्मी हमें पकड़ के बिठाती थी, नानी दादी, और हमें डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ सुनाती थी, बादशाहों के बारे में, मलकाओं के बारे में, ड्रैगन्स के बारे में, इमेजिनरी वर्ल्ड बताती थी। उससे हमारी इमेजिनेशन काफ़ी ग्रो होती थी, हम डिफरेंट चीज़ें सोच पाते थे कि भाई ये कहानी पता चली, क्या पता ऐसी दुनिया भी हो। उससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती थी। आजकल के दौर में स्टोरी टेलिंग ने एक मुनफरद रोल ले लिया हमारी ज़िंदगी में। हम बेतहाशा वीडियोस देखते हैं, बेतहाशा मूवीज़ देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेटेड होते हैं, किसी से सैड होते हैं, किसी से एंग्री होते हैं, हर किसी का इमोशन हमें उन वीडियोस से, उस विजुअल रिस्पॉन्स से मिल जाता है। और अगर हम YouTube पे देखें, YouTube पे काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अमेरिकन देखें तो केसी नाइस्टैट है, पीटर मैकेनन है, डेविड डोब्रेव है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग पहलू से स्टोरी टेलिंग करते हैं। केसी नाइस्टैट के रनिंग सीक्वेंसेस हम दोबारा दोबारा देखकर भी बोर नहीं हुए, पीटर मैकेनन के वो ट्रांजिशन जो हम देखते हैं और हम बोर नहीं होते, डेविड डोब्रेक का वो कॉमेडिक ह्यूमर एस्पेक्ट जो वो हर वीडियो में डालता है और हम उस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का एक अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, वीडियोज़ में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट डालूँ। कोई महंगे गियर्स नहीं, वो कोई प्रीसेट्स नहीं कि कलर करेक्शन ये वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जेन्युइन हूँ, रॉ हूँ। कोशिश मेरी जारी है, हर वीडियो में मुझे एक नई चीज़ पता चलती है और मेरा लर्निंग प्रोसेस चलता जा रहा है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग का शौक है और आप चाहते हो कि आप विजुअल मीडियम से आप एक्सप्लेन कर सको लोगों को कि आपकी रोज़ाना की कहानी क्या है, तो अपना अंदाज रखें, बी जेन्युइन। अगर आप तू तड़ाक से बात करते हैं तो तू तड़ाक से बात करें, आपका ऑडियंस है, आप अपने सोल जो है डिलीवर कर रहे हैं इस वीडियो से। अगर आपको 10 लोग भी देखेंगे तो वो 10 लोग आपसे रिलेट कर पाएं कि कहें कि हाँ यार, ये जो स्टोरी इसने मुझे आज दिखाई है ये कभी ना कभी मेरे साथ हुई है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, दूसरे लोगों को ज़्यादा फॉलो ना करें, इंस्पायर ज़रूर हों अलग अलग वीडियोज़ को, अलग अलग ब्लॉगर्स को, अलग अलग स्टोरी टेलर्स, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को, लेकिन उनकी चीज़ें अपने आप में लेकर आएंगे तो आपकी वीडियोस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप अपने आप को उस वीडियो में डालेंगे, अपनी सोल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो कहानी जो आप बताना चाह रहे हैं वो अगर एक व्यूअर को भी अच्छी लग गई या एक व्यूअर भी उससे इंस्पायर हो गया, उसको समझ में आ गई, तो भाई छक्का लग गया। एक कोट है जो मैं काफ़ी ज़माने से पढ़ रहा हूँ, वो है, Great stories happen to those who can tell them. तो कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होंगी और आपकी डेली ज़िंदगी भी बहुत हैक्टिक होगी या बोरिंग होगी, लेकिन अगर आप एक विजुअल मीडियम से वो स्टोरी बयान करना चाहते हैं तो देर मत करें, अभी मोबाइल उठाएं, कैमरा उठाएं और स्टार्ट करो। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।